बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे, कल हमने जो लेक्चर लिया था अपना वो इंग्लिश का था, कल आपका लेटर डी सी था, तो आज हमने जो लेटर करना है वो है डी। ठीक है, अपनी बुक्स का पेज नंबर बेटे आपने 15 ओपन करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बुक पेज नंबर 15, लेटर डी। ओके, चले बेटे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटे मैं आपको लेटर डी लिखना बताऊंगी। लेटर डी जो है बेटा, कैपिटल लेटर, ऊपर वाली 3 लाइंस पे आता है। ये देखें, ऐसे आपकी बुक पे डॉट लगे होंगे, आपने इसको ट्रेस करना है। डी, लेटर डी, ये हमारे पास कैपिटल लेटर बन गया डी। डी डी से इज डा डक, डी से इज डा डक। अब डक की हम स्पेल लिखते हैं, डी यू सी के डक, डी यू सी के डक। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास फिर लेटर डी। ऐसे ही आपके डॉट्स लगे होंगे आपकी बुक पे, आपने इनको ट्रेस करना है और नीट नीट ट्रेस करना है बेटे। ठीक है, ये हमारे पास लेटर बन गया डी। डी से डा डॉल, ये देखिए किस चीज की पिक्चर बनी हुई है, डॉल, डी ओ डबल एल डॉल। इसके स्पेल क्या है बेटे, डी ओ डबल एल डॉल, ड डॉल, ड डक, ड डॉल। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे फिर लेटर डी, ऐसे आपने ट्रेस करना है। ठीक है, ट्रेस करके बेटे डी से डा ड डव, डव बेटे उर्दू में फाख्ता को बोलते हैं। ओके, डी से डा ड डव, डी ओ वी ई डव, डी ओ डी ओ वी ई डव। तो बेटे एक दफा फिर मेरे साथ रिवाइज करें, डी से डा ड डव, डी से डा ड डॉल, डी से डा ड डव। ये आज का आपका जो बेटे लेटर डी कंप्लीट हो चुका है। इसका इंट्रोडक्शन था। आज आपके लिए जो होमवर्क है मैं आपको बता देती हूँ। आप होमवर्क पेज नंबर आपका है 16, होमवर्क पेज 16, ये आपकी डायरी है बेटे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेटर डी कंप्लीट हो चुका है बेटे। आपने इसको अच्छे से याद भी करना है, इसको राइट भी अपनी नोटबुक्स पे करना है, और आपने रेजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। ओके बेटे, अपनी टीचर्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।